जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? चलें जी, कल के दिन हम डिस्कस कर रहे थे मोनोपोली को। मोनोपोली के फीचर्स को हमने डिस्कस किया था, उसको जरा देख लें। मोनोपोली के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स, देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स। Sole supplier of the goods or commodity, profit maximizing firm, price maker, and super normal profit, very high barriers to entry. Barriers to entry बहुत high है। हमने perfect competition में कहा था free entry and exit। यहाँ पे कहा नहीं था, कोई दूसरा शख्स अगर आगे आना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल इन्होंने यूएस टीम की दी, डूचे टेलीकॉम की दी, नेशनल फुटबॉल लीग की दी, जो कि एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये शेडोज क्या पूछ रहे हैं? इंटेल, इंटेल के अंदर भी, हाँ इंटेल में भी। अब वो प्रोसेसर ठीक है, इंटेल के प्रोसेसर, पेंटियम के प्रोसेसर, सेलरॉन के प्रोसेसर, लेकिन कहीं ना कहीं और उसका अल्टरनेट मौजूद है। तो लेकिन पाकिस्तान में अगर हम प्योरली, मैंने तो ये कहा था कि ये आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ पोजीशन है, जरूरी नहीं है। जितनी ये चीजें बताई हैं, ये आपको प्रैक्टिकली कहीं पर नजर आना बहुत मुश्किल है कि जनाब सिर्फ एक ही हो, उसका हाई बैरियर टू एंट्री हो, प्राइस मेकर हो, सब्स्टिट्यूट ना हो, वो सारी बातें प्रैक्टिकल नजर आना मुश्किल है। जी शेवर्स इंटर की समझ आ गई। अच्छा, पाकिस्तान में अगर देखें तो वापता एक हमें नजर आता है कि जिसके पास एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि वो हमें सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, जो हमें उससे ली लेनी पड़ती है और बैरियर्स टू एंट्री है। वापता या इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के अंदर हाई बैरियर्स टू एंट्री है। हर बंदा बिजली के कारखाने नहीं लगा सकता। पाकिस्तान में कानूनी पाबंदी है, कानूनी तौर पे ये पाबंदी है कि जनाब आप बिजली बेच नहीं सकते जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक को बिजली सिर्फ गवर्नमेंट बेचते और गवर्नमेंट में उसके लिए वो वापता को नॉमिनेट किया। ठीक है, लेट्स सी के ये तो सारी बातें ठीक है, आप कह रहे सर चले अच्छी बात हो गई, ये हमें समझ आ गई कि जो मोनोपोली की इस तरह की, लेकिन मोनोपोली की कंडीशन में, मोनोपोली के स्ट्रक्चर के अंदर हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं कि उसमें जो रेवेन्यू की कर्व्स हैं वो कैसी होंगी, रेवेन्यू कैसे बिहेव कर रहा होगा मोनोपोली के स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसके लिए वी कैन सी इफ दिस इज द प्राइस, this is the quantity, then we can determine the total revenue, marginal revenue and average revenue. ऐसे ही है ना, ये तीन दो चीजें चाहिए होती थी बेसिकली, ये दो चीजें चाहिए price and quantity, और उनकी बेस के ऊपर हम total revenue, marginal revenue और अपना average revenue calculate कर सकते हैं। और इसमें हमने कहा था कि प्राइस मेकर, लेकिन प्राइस मेकर डिपेंड करता था उसके डिमांड स्केड्यूल के साथ। कल के दिन की डिस्कशन अगर याद हो तो हमारा डिमांड स्केड्यूल में क्या होता था, प्राइस और क्वांटिटी। इफ प्राइस वाज 9, क्वांटिटी डिमांडेड वाज 1, प्राइस वाज 8, क्वांटिटी डिमांडेड 2, प्राइस रिड्यूस टू 7, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू 3, प्राइस रिड्यूस टू 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, 7। ये एक हमारे पास डिमांड स्केड्यूल है जिससे कि हमें नजर आ रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर है, इफ इट कैन रिड्यूस प्राइस, इट कैन इंक्रीज इट्स डिमांड, अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को
इंक्रीज कर सकता है अगर वो प्राइस रिड्यूस करते हैं तो. इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइस चेंज कर रहे हैं. परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि आप एक यूनिट बेचें तब भी उतने पे था, दूसरा यूनिट बेचें तब भी सेम था, तीसरा यूनिट बेचें तब भी वही था, चौथा यूनिट, तो उसका प्राइस आपको मार्केट की प्राइस अडॉप्ट करनी पड़ती थी. आप खुद से प्राइस नहीं बढ़ा सकते थे, जो मर्जी आप जितने यूनिट बेचना चाहें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करती, परफेक्टली इलास्टिक. और यहां पे इम्परफेक्ट कंपटीशन है. इम्परफेक्ट कंपटीशन की वजह से हमारे पास ये इख्तियार आ गया कि प्राइस के अंदर चेंज करते हैं तो हमारी डिमांड के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली आती है. ठीक है जी. नाउ इफ वी कैन बिल्ड दीज थ्री, ये जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू के साथ कैलकुलेट हो सकता है, we can calculate total revenue, price into quantity, simple, PQ, price into quantity, total revenue क्या है, 9, 16, 21, 24, 25, 24, 21. ये हमें टोटल रेवेन्यू के अंदर तो क्लियर नजर आ रहा है कि सर्टन प्राइस रिडक्शन तक तो हमें फायदा नजर आ रहा है, लेकिन सर्टन प्राइस रिडक्शन से जब नीचे आप जाते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है. तो इसका ये मतलब हुआ कि आप हर वक्त प्राइस रिड्यूस भी नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन किसी वक्त प्राइस रिडक्शन आपके लिए फायदेमंद होगी, उससे आप प्राइस आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर पाएंगे. टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है. मार्जिन रेवेन्यू क्या था? मार्जिन रेवेन्यू था चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. टोटल रेवेन्यू चेंज कितना आया? 16, 9. पहले वाले में तो 9-0 से 9 आ गया, दूसरे में 16-9 7, 16-21, 5, 24-21, 3, 1, minus 1, minus 3. And then, average revenue क्या था? Total revenue divided by the number of quantity sales. Total revenue क्या थी? 9 divided by 1. That is 9. 16 divided by 2, that is 8. 21 divided by 3, that is 7. 24 divided by 4, that is 6. 25 divided by 5, that is 5. 24 divided by 6, that is 4. 21 divided by 7, that is 3. G. बिल्कुल. अब यहाँ पे देखें. ये एक क्वेश्चन आईकैप पूछ भी चुका है कि जनाब ये मार्केट की कंडीशन बताइए कौन सी है. प्राइस इज इक्वल टू एआर इक्वल टू एम आर नॉट इक्वल टू आर, ये कौन सी मार्केट की कंडीशन. इसका आंसर था इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? परफेक्ट कंपटीशन में था बाई प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, वो एम आर पे था. आपने ठीक कहा था. और साथ में अगर हम ये भी कह रहे हैं, इसको यूं कह रहे हैं, और अगर हम इम्परफेक्ट को दोबारा सर इस तरह के एआर वेयर एआर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमआर, ये देखिए
AR is greater than MR. AR is greater than MR. AR is greater than MR. So, monopoly की condition के अंदर हमें नजर आ रहा है कि price ये दोनों जो conditions थी ये clearly हमें यहाँ पे नजर आ रही है. AR is always greater than MR. Then, if perfect competition में ये condition है price AR के बराबर और AR MR से बड़ा. Then एक चीज और यहां से नतीजा हासिल करना है हमने कि जनाब जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है उस वक्त तक आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है और जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करना शुरू कर देता है. दो नतीजे आपस के, एक ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इनिकल टू एआर बट एआर एंड प्राइस आर ग्रेटर देन एमआर और दूसरी बात कि जब तक आपका एमआर पॉजिटिव है आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है और जैसे ही एमआर नेगेटिव होता है टोटल रेवेन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. क्लियर है? इसमें कोई मुश्किल नहीं. अगर आपकी बेस परफेक्ट कंपटीशन की स्ट्रांग है तो आपको यहां पे ज्यादा मुश्किल दरपेश नहीं आई होगी इंशाल्लाह. अच्छा अब इसका ये तो बात हमने कहा कि चलें आपने टेबल बना दिया इसको ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करें. लेट्स पुट इट ऑन सम ग्राफ. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में our total revenue will move like this. TR एक अपनी peak के ऊपर जाएगा और peak के ऊपर जाके फिर decrease होना शुरू करेगा. Total revenue will move like this. और जहां पे total revenue decrease होना शुरू करेगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो AR और MR है इसके अलावा MR दिस इज AR. जहां पे AR नेगेटिव हुआ टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू हुआ AR के नेगेटिव होने के ऊपर. ये सारी जो ग्राफ हमने बनाया जो ये AR की कंडीशन निकाली जो MR की कंडीशन निकाली ये कहां से निकाली? इधर से. AR will always be more than MR. इसी वजह से AR is always more than MR. AR curve is on positive side still when MR has crossed to negative. This is the AR curve in imperfect competition in and this is the MR curve for imperfect competition. Perfect competition में क्या था? Perfect competition में AR और MR दोनों हमारी same line थी. क्यों? क्योंकि हमने perfect competition के लिए ये पढ़ा था. AR is equal to MR. G agreed or not? Amina, especially Amina से बात करो. अभी अभी लास्ट में जी आमिना समझ आ रही है? आपने आपने क्लासेस पिछली जो लेक्चर हैं वो कई वीडियोस देखी हैं कि नहीं देखी हैं और ऑन एंड ऑफ आप ले भी आती हैं क्लास में सो दैट्स माय कंसर्न. देखें चलें अगर कोई क्वेश्चन हो आप क्लास भी रेगुलरली अटेंड करें टाइम पे करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछें. ठीक है तो यहां पे हम क्लैरिटी ये हुई कि हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वी विल हैव ए स्लोप्ड एमआर एंड एआर
फ्लैटर नहीं होगी, जिस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में थी फ्लैटर फ्लैटर नहीं होगी, स्लोप होगी, और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो वहां पे डिक्रीज होता है जहां पे आर इज गेटिंग इनटू नेगेटिव टेरिटरी। ठीक हो गया। अच्छा, अब वही क्वेश्चन जो हमने पहले परफेक्ट कंपटीशन के सिलसिले में किया था कि सर ये बातें तो आपने समझा ली कि रेवेन्यू की कर्व्स नसी हैं, वो स्लोप होंगी, ठीक हो गया, बट व्हाट वी वांट टू नो दैट हाउ वी कैन डिटरमिन द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट, मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे होगा मोनोपोली के लिए। तो वो हमारी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी जहां पे हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन पहले पढ़ी थी वो यहां पे भी होल्ड कर रही है, कोई नई कंडीशन हमने यहां पे डिस्कस नहीं करनी। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी थी, वन कौन कौन सी थी, दो कंडीशन थी, कौन कौन सी थी, पहली बात तो सही कह रहे हैं अलीशा और फिजा, एमसी इक्वल टू एम आर एंड देन एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, मतलब जिस पॉइंट पे वो बराबर है उससे पहले एम आर एमसी से बड़ा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट दैट आप कहेंगे सर ठीक है इक्विलिब्रियम द्वारा डिस्कस कर देते हैं, इक्विलिब्रियम आ गया दिस, नाउ वी हैव शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट एंड देन वी हैव दिस मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। Now we have this MR and this AR, MR and AR, ये दो कर्व हमने जो अभी सीखी हैं, अभी हमने ये कर्व सीखी हैं MR और AR। अच्छा, अब जो एक चलिए हम इसको मोनोपोली कंपटीशन में MR और AR। अब यहां पे एक जो टेक्निकल चीज जो मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि एक डिस्कस कर लूं, यहां पे जो अभी आपके साथ ये डिस्कस की ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के लिए हमारे डिस्कशन थी। जब मोनोपोली के लिए करना है, मोनोपोली की बात आएगी तो मोनोपोली की एमआर और एआर विल बी लेस इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जब बात आएगी तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एमआर और एआर विल बी मोर इलास्टिक। यहां पे देखें मैंने ये एमआर और एआर लेस इलास्टिक की है, मैंने एमआर और एआर यू नहीं की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एमआर और एआर मोर इलास्टिक है, मोनोपोली की कंडीशन के अंदर एमआर और एआर लेस इलास्टिक होती है। ये छोटी छोटी सी टेक्निकल चीजें होती हैं जो कि जब आप ड्रा करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, उसको डायग्राम बनाते हैं, तो आप अगर इसको यू और यू कर देंगे तो वो फौरन समझ आएगा कि आपको आइडिया नहीं है कि जो मोनोपोली है, मोनोपोली की कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व है दैट विल बी लेस इलास्टिक, comparatively, relatively less elastic, less elastic। और monopolistic competition अभी आगे पढ़ना है हमने, नहीं जी नहीं, monopolistic competition अभी आगे पढ़ना है हमने, सिर्फ मैं share कर रहा हूं आपके साथ ताकि हम जब वहां में जाए तो तब भी आपको आइडिया हो जाए और यहां से भी हम जरा क्लैरिटी ले लें, क्योंकि ये दोनों में ए आर और एम आर सेम ही होने, इस तरह ही होने, लेकिन इसमें एम आर और ए आर
less elastic है, मतलब आपकी competition में MR और AR more elastic हो, बस ये फर्क। Slope का फर्क होगा monopoly और monopolistic competition में, ठीक है जी? Clear है ये दिशा, फिदा, अंदाज। सिर्फ डिस्कशन थी फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अभी हम अपने रेवेन्यू कर्व्स को पढ़ने हैं, इनपरफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व्स को पढ़ने हैं, तो हम अभी से ही कुछ अपनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें ताकि कल को जब हम ड्रा करें डिफरेंट कंपटीशन के अंदर डिफरेंट मार्केट के अंदर तो वी मस्ट नाउ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दी टू शेप्स। अच्छा अब आपने मुझे बताना है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इधर इट्स पॉइंट्स पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट? Point A, ठीक है। Point A is the equilibrium point. Point A is the equilibrium point. We will be drawing this. उसको extend करेंगे। Our AR से हमारा revenue आएगा और C से हमारी cost आएगी। ये हमारा super हमारी cost loss का हमारा एक condition बनेगी जिसमें our cost is more and our revenue is less, this area represents our loss, ये loss का area represent कर। Then again let's put profit को key condition को की कंडीशन, दिस इज MC इज इक्वल टू MR, ये MR, दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज कॉस्ट, दिस इज रेवेन्यू। अब ये कॉस्ट आ गई, यहां पे शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर हो गया और ये हमारा रेवेन्यू आ गया, ये आपके पास दिस एरिया रिप्रेजेंट योर प्रॉफिट एरिया। क्लियर? कोई मुश्किल तो नहीं? चलो लेट्स गो इन द बुक, किताब क्या कहते हैं? कहते हैं जी के अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉम्पिटिटिव रिफॉर्म फेसेस ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बिकॉज द एवरेज डिमोक्रेसी कैन नॉट सिमल्टेनियसली सेट प्राइस एंड क्वांटिटी, if it's gets quantity price will lag, if range is quantity price will fall. Monopoly भी आगे और हमने monopoly की condition में this is our average cost, this is our marginal revenue, this is our average revenue, this is our marginal cost, MC equal to MR, यहाँ पे इधर से आप cost आ गई, इधर से आपका revenue आ गया, ये profit आ गया, और यहाँ पे points to note, supernormal profit. Supernormal profit by charging the price above AC. This has the effect of exploiting the consumer. Total supernormal profits are this. The firm does not produce efficiently. Efficiently producing the rate. यहाँ पे देखें efficiently क्या होता? जब आप देखो अपनी profit लेते वहाँ पे efficiently होता. The firm can continue making supernormal profit in the long run due to existence of barriers to entry. वो कहता है ये दोनों situations के लिए short run में भी एंड लॉन्ग रन के अंदर भी दोनों सिचुएशन में मोनोपोली वाले भाई जान
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इस भाईजान को दोनों सिचुएशन में ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे, इन भाईजान को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये प्राइस मेकर है, प्राइस को सेट करते हैं, तो डेफिनेटली अपनी कॉस्ट से हाई प्राइस सेट करेंगे। प्राइस इतनी ज्यादा नहीं करेंगे जहां पे कि इनका कस्टमर बेस ही हो जाए, लेकिन अपनी कॉस्ट बाहर सारी रिकवर करेंगे और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे। तो इसमें आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि मोनोपोली वाला कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, ऐसा ही है ना? मोनोपोली वाला कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, अगर सारा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट की बात नहीं करेगा। नहीं सर, किसी सिचुएशन के अंदर जस्ट टू काउंटर द कंपटीशन, क्योंकि इसका कंपटीशन कोई नहीं है, जस्ट टू काउंटर द कंपटीशन, काउंटर द कंपटीशन, लोगों को जो अगर कोई एंट्री हो रहा है मार्केट में, एंटर होना चाह रहा है, आपको कंपीट करना चाह रहा है, जस्ट टू काउंटर द कंपटीशन, यू कैन मोनोपोली कैन गो इनटू लॉस फैक्टर, लॉस एरिया, जस्ट अपनी प्राइस को वो रिड्यूस करेगी इस लेवल तक लेके आएगी जहां पर उसकी कॉस्ट भी कम ना हो, जस्ट टू कंपेल द कंपटीशन टू गेट आउट ऑफ द मार्केट, वो मार्केट से भगाने के लिए उसको करेगी। वरना लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में दोनों पीरियड्स के अंदर हमारा जो मंदी वाला शख्स होगा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय कर रहा होगा। अच्छा, इसमें एक बेसिक डिफरेंस जो हमारा मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमें देखना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि हमारा जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, जो मार्केट से प्राइस मिलती है वो उसी पे ही उसको बेचना पड़ता है। मार्केट ये नहीं देखती कि आपकी कॉस्ट क्या है और प्राइस उसके मुताबिक सेट नहीं करती। मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होती है जो कि प्राइस को डिटरमिन करती है, ऐसे ही है ना? हमने चैप्टर 2 और 3 के अंदर ये चीजें पढ़ी थी, याद है? तो डिमांड सप्लाई फोर्सेस ने करनी है, आपके प्राइस स्ट्रक्चर ने नहीं करनी। तो परफेक्ट कंपटीशन में इसलिए चांसेस मौजूद हैं कि आपकी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए, क्योंकि हो सकता है मार्केट की डिमांड सप्लाई फोर्सेस इस तरह की हो कि वो प्राइस आपको आपकी कॉस्ट से भी ज्यादा दे जाए। हो सकता है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाए, हो सकता है आप सब नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस पे जाए, हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म पॉइंट पे चले जाए, क्योंकि वहां पे प्राइस इज फोर्स्ड एंड इनफोर्स्ड बाय द मार्केट। और मोनोपोली के अंदर प्राइस मेकर है, हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, मोनोपोली वाला जो बंदा है वो प्राइस डिसाइड करता है। तो डेफिनेटली जब आप प्राइस डिसाइड करेंगे तो आप डिमांड को भी देखेंगे और आप अपनी कॉस्ट को भी देखेंगे। आप लामहाला ऐसी प्राइस सेट नहीं करेंगे जो आपकी कॉस्ट से नीचे हो। तो लामहाला लाजमी आप अपनी प्राइस अपनी कॉस्ट से हायर रखेंगे। इसी वजह से मोनोपोली की कंडीशन के अंदर हमने ये कहा कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाएगा, और लॉन्ग रन के अंदर किसी वक्त मोनोपोली वाले बंदे को जरूरत पड़ सकती है जस्ट टू काउंटर द कंपटीशन, वो अपनी प्राइस अपनी कॉस्ट से भी नीचे रख सकता है और लोगों को कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, नथिंग एल्स। अच्छा, मोनोपोलीज कैन बेटर एंट्री फ्रॉम कंपटीटर विद द मोनोपोलीज होल्डिंग सिग्निफिकेंट मार्केट पावर्स, इट इज पॉसिबल फॉर देम टू एक्ट इन द वे दैट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। इन प्रिंसिपल इफ दे आर एबल टू मेंटेन बैरियर्स टू एंट्री हाई, अदर फर्म विल नॉट बी एबल टू एंटर एंड दे कैन रिटेन देयर एक्सेस प्रॉफिट। दीज कॉमन, देयर आर 3 कॉमन कैटेगरीज। अब वो बैरियर्स टू एंट्री को डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं।
कौन कितने टाइप के हैं, स्ट्रक्चरल वैल्यूज जो है then we have strategic and legal. And number three pe types of legal barrier to entry. स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर ऐसे के मार्केट का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है मार्केट के अंदर एंटर होना उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना उस प्रोडक्ट के लिए कंपीट कर पाना वो शायद पॉसिबल नहीं होगा. इस तरह के जो बैरियर्स हैं उनको हम स्ट्रक्चर बैरियर टू एंट्री कह रहे हैं. वो कौन कौन से हैं देखते हैं. जो शख्स मोनोपोलिस्ट होगा डेफिनेटली हाई लेवल पे बड़ी मिकदार में ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और जो शख्स नया आएगा उसको प्रोडक्शन कॉस्ट हाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी. सिनर्जीज नहीं होगी जो हमने अपनी डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर हमने चेक किया था. जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की थी वो ज्यादा जो बड़ा प्रोड्यूसर है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल इंजॉय कर रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है. जो छोटा शख्स आएगा जो छोटा प्रोड्यूसर आएगा जो कंपटीशन के लिए आएगा जो नया कंपटीटर आएगा उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुरू में हाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी इकोनॉमी ऑफ स्केल उसकी वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से भी. वर्टिकल इंटीग्रेशन ये क्या चीज होती है. इंटीग्रेशन क्या होता है. इंटीग्रेट कर देना किसी चीज को एक दूसरी चीज के साथ मिला देना है इंटीग्रेट कर देना. तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है कि आपके सप्लाई चेन क्या होती है. फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए पहले हमें कॉटन चाहिए कपास चाहिए फिर उस कॉटन से हम यार्न बनाएंगे और फिर उस यार्न से हम अपना कपड़ा बना सकेंगे सादा से बात. तो सप्लाई चेन में वर्टिकल इंटीग्रेशन अगर करनी हो कोई जो स्टिचिंग प्लांट है उसने अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब कॉटन से बना यार्न और यार्न से बना क्लॉथ. अगर मैं क्लॉथ प्रोड्यूसिंग कंपनी हो तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह कहता हूं यार्न बनाने वाला भी कारखाना अपने साथ ही मिला देता हूं. वर्टिकल इंटीग्रेशन ये वर्टिकल इंटीग्रेशन कर दिया हमने. चाहे वो कॉटन वाला था उसने कहा मैं अब यार्न बनाना भी शुरू कर देता हूं मैं अपना क्लॉथ बनाना भी शुरू कर देता हूं. तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. वो एक ही कंपनी के अंदर एक ही बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं. These are called vertical integration. Integration मतलब मिला देना. तो अगर कॉटन उगाने वाला कहे कि मैं कॉटन उगा के बेच देता हूं सिर्फ उसकी बजाय मैं ये करता हूं कि मैं एक जिनिंग फैक्ट्री में उगा देता हूं मैं यार्न बनाना भी शुरू कर देता हूं तो वो अपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहा होगा. तो मोनोपोली वाले शख्स ने क्या किया होगा उसने डेफिनेटली अपने जो प्रोसेस की सप्लाई चेन है उसको भी सबको अपने साथ बना लिया होगा ताकि कहीं से उसको कंपटीशन का ढूंढ ना सके. कोई इसका ना हो कि मैंने क्लॉथ प्रोड्यूस करना है तो कॉटन वाला बंदा कहे कि मुझे ज्यादा पैसे दो वो कॉटन वाले को भी अपने साथ इंक्लूड कर चुका होगा. ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. इस तरह की हर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एग्जांपल मौजूद होती है उससे वो वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है. कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज डेफिनेटली जो मोनोपोली वाला बंदा है उसके पास ज्यादा तादाद में रिसोर्सेज मौजूद होंगे और एक्सपर्टीज और रेपुटेशन ऑफ इनकम्बेंट जो पहले से मौजूद है वो देखेंगे यार अनु तो पहले पता है नवा बंदा आया पता नहीं अनु कोई ऐसी चीज बना सकेगा अच्छा कपड़ा बना सकेगा अच्छी बिजली बना सकेगा नहीं बना सकेगा. एक्सपर्टीज उसके पास मौजूद होंगी या नहीं होगी वो पता नहीं होगा. देन वी हैव स्ट्रैटेजिक
choices by monopolistic monopolist to make entry harder, जैसे ये था, make entry harder, loss करना शुरू कर दे, make entry harder, रोक दे, अपने raw material को control कर दे, किसी और शब्द को raw material बेचे ही ना, predatory pricing, pricing low कर दे, जैसे हमने कहा यहाँ पे भी pricing low कर दी, इसमें यहाँ पे pricing low कर दी, फिर marketing product differentiation, तो जब बड़ा शख्स है, बड़ी कंपनी है, जो monopoly वाला है, उसके पास budget भी ज़्यादा, उसके पास resources भी ज़्यादा है, marketing भी अच्छी कर सकता है, अपनी products को ज़्यादा अच्छे तरीके से present कर सकता है, फिर legal barriers to entry है, law में, जैसे हमने कहा कि कोई शख्स बिजली बना के बेच नहीं सकता, क्योंकि कानून ने बोल दिया ये कि सिर्फ गवर्नमेंट ही बिजली बना के आम पब्लिक को बेचेगी, आप नहीं बेच सकते, अगर आप बिजली बनाएंगे तो आप गवर्नमेंट को बेचेंगे और फिर आगे गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को बेचेगी, फिर कोई प्रोडक्ट आपकी है जिसको पैटेंट करवा दिया, कोई कॉपी राइट ले लिए, कोई लाइसेंसिस रिक्वायर्ड है, जैसे मैं टीवी चैनल बनाना चाहता हूँ लाइसेंस रिक्वायर्ड है, मैं कोई बिजली का कारखाना लगाना चाहता हूँ लाइसेंस रिक्वायर्ड है, फिर भी लाइसेंस भी चाहिए और साथ में जनरल पब्लिक को भी नहीं बेच सकता, तो डिफरेंट बैरियर्स टू एंट्री मौजूद, स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक एंड लीगल बैरियर्स टू एंट्री मौजूद होते हैं। क्वेश्चन आ चुका हुआ है, सीधा सीधा साथ जवाब है, जिस तरह के हमने ये बताई है इन्हीं के जवाब से आपके नंबर बन जाते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक एंड लीगल, और उसके अंदर जो आपने बातें की। Let's conclude here for today and let's meet tomorrow. अच्छा, आपके मिड टर्म के लिए हमने सिलेबस तय कर लिया है परफेक्ट कंपटीशन तक, पहले चैप्टर से लेके परफेक्ट कंपटीशन तक तमाम जो आपका टॉपिक्स हैं वो मिड टर्म में आपके टेस्ट होंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।